तो हे गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक न्यू तुर्की ड्रामा के बारे में जो कि आपको देखने मिलता है अमेज़न मिनी टीवी पे गाइस, और ये आपको टोटल 26 एपिसोड के साथ में देखने मिलता है। और बेसिकली गाइस ये हिंदी डबिंग के साथ में आपको देखने को मिलता है अमेज़न मिनी टीवी पे। अगर आपको ड्यूरेशन की बात, तो ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स की लेंथ से देखने को मिलता है। अगर यही बात करें आपको इसकी स्टोरी की, तो स्टोरी आपको मेरे को इतना खास लगा नहीं, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। इसमें आपको जो 5 सहेलियाँ रहती है, जो कि पहले सहेली का नाम रहता है डिक्लिया और दूसरे का गुनेज और तीसरे का नाम रहता है सेनेटे और चौथे का मेलके और पांचवे का मैरियम, जो कि ये पांचों बहुत अच्छे एक दूसरे में फ्रेंड्स है गाइस। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जहाँ पे एक सेनेटे का शादी होते रहता है, पांचों फ्रेंड में से एक की शादी होती रहती है, और वहीं पे एक मरिया नाम की इन लोगों की दोस्त रहती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश मिजाज रहती है और वो अच्छी कंपनी में जॉब करती रहती है, जहाँ पे मरियम ने गुनेज को अपने काम पे रखा हुआ था। जहाँ पे गुनेज को ऐसा लगता है कि मरियम का उसके बड़े उम्र के बॉस के साथ चक्कर चल रहा है, जहाँ पे मरियम को भला बुरा बोलने लग जाती है, जहाँ पे मरियम को समझाती है ऐसा कुछ नहीं है, और मरियम समझाती है गुनेज को कि अल्लाह से वो बात ना कि जहाँ पे अल्लाह वहीं पे एक लड़का रहता है जहाँ पे वो काम करते रहता है, और वहीं पे वो मरियम मना करती है अल्लाह से बात करने के लिए, और गुनेज को लगता है कि इसके बाद को लगता है कुछ ना कुछ इसके ऊपर शक खाने लगती है गुनेज रहती है, और वहीं पे जो बहुत ज़्यादा सोचने लगती है जो कि मरियम रहती है, और वहीं पे जहाँ पे एक सेनेटे की शादी होती रहती है सब लोग अटेंड किए रहते हैं, और वहाँ पे जो मरियम का जो जहाँ पे डेथ हो जाती है, जहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ पे वो मरियम ने सुसाइड किया रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता, मरियम ने सुसाइड नहीं किया रहता, उसको किसी ने मारा रहता है, और इसको ये पांचों फ्रेंड पता लगाती है कि मरियम को किसने मारा रहता है, और वहीं पता लगाते रहते हैं, इन लोगों की जान पे बनाती है, ये आपको सब सीरीज में देखने को मिलता है। और वहीं पे जहाँ पे गुनेज काम कर देती है वहीं पे अल्लाज नाम का लड़का रहता है, अब मरियम उसको क्यों ना बात करने के लिए मना करती है गुनेज को, ये आपको आने वाले सीरीज में देखने को मिलता है, आपको टोटल 26 एपिसोड भी देखने मिलता है। और वहीं पे गाइस डिक्ले गाइस बहुत अच्छी एक्ट्रेस है गाइस, मैंने इनका बहुत ज़्यादा सीरीज देखा हुआ है, बहुत अच्छी खासी एक्ट्रेस है, बहुत खूबसूरत भी है और ब्यूटीफुल भी है गाइस। और इसमें इनको ऐसा रहता है कि डिक्ले जो रहती है वो एक ऑफिस में काम करती है, जहाँ पर उनका जो बॉस रहता है सरगन, जो कि बहुत ज़्यादा हंसमुख रहता है, जहाँ पर जो कि डिक्ले बहुत ज़्यादा कॉमेडियन सीन भी करते हैं, वहाँ पर जो कि सरगन हंसने लगता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में धीरे धीरे केमिस्ट्री बढ़ने लग जाती है, उन लोगों के बीच में थोड़ा मतलब रोमांटिक एंगल आने लगता है, जहाँ पर इन दोनों का बहुत अच्छा खासा आपको एंगल देखने मिलता है। वहीं पर गुनेज और एलनाज का भी देखने मिलता है, जहाँ पर गुनेज का आपको मालूम होगा इस ड्रामे में इनका गुनेज नाम रहता है, लेकिन आपको मालूम है कि सेलिन किसका नाम रहता है, जहाँ पर मैंने इनका एक सीरीज देखा जिसका नाम था मेरी दुनिया नहीं तो मेरा घर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये ड्रामा गाइस, जो कि आपको देखने मिलता है एमएक्स प्लेयर पे, जो कि इस ड्रामे आपको देखने मिलते गुनेज, जो कि इस ड्रामे अच्छी खासी एक्टिंग करते हुए आपको देखने को मिल रही होंगी। तो देखते गाइस पांचों फ्रेंड में जो कि एक फ्रेंड जो मरियम रहती है उनका पता लगा पाते कि मरियम ने क्यों मतलब सुसाइड किया था कि नहीं किया था, कि यार किसी ने इनको इसको मारा था, और इन और दो लोग का जो कि लव स्टोरी था कहाँ तक बढ़ जाता है, और सर ये आपको देखने मिलता है अमेज़न मिनी टीवी हिंदी डबिंग के साथ में गाइस, जाके आप देख सकते हो। आई होप सो गाइस आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको ऐसे लेटेस्ट ड्रामा का रिव्यू करते हुए।